नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विक्रा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2019-2020 जो भर्ती प्रोसेस में होने वाली है, क्योंकि 2 फरवरी से यहां पर क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड 15 जनवरी से आएंगे या फिर 20 से आएंगे, तो फ्रेंड्स उनका कोई यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट पर क्या हलचल चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के साथ साथ देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोसीज नहीं चली हुई है, न्यूज एंड अनाउंसमेंट पोस्ट वाइज वैकेंसी कोरिजेंडम डेट शेड्यूल कोरिजेंडम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है, केवल ओल्ड न्यूज है हमारे पास, और न्यूज जो हमारी न्यू आने वाली है फ्रेंड्स वो कोई ऐसी नहीं आई है जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारे एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 15 जनवरी से यहाँ पर आने वाले थे लेकिन नहीं आए हैं, जो डेट जा चुकी है, और हमने क्या बोला था कि 20 जनवरी से यहाँ पर 20 से 25 जनवरी के बीच में यहाँ पर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड के मन में क्या चल रहा है, अभी कोई न्यूज़ नहीं आई हुई है। बोर्ड ये भी कर सकता है कि हमारे जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाइड हुए हैं उनकी लिस्ट भी डाल सकता है, ठीक है, और लिस्ट डालने के साथ साथ यहाँ पर एडमिट कार्ड शो कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एडमिट कार्ड पुराने वाले ओल्ड वाले ही चल जाए, लेकिन ऐसा भी कोई क्लियरिटी नहीं है। वैसे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर न्यू एडमिट कार्ड आना ही अनिवार्य होगा, ठीक है, क्योंकि दो प्रोसेस एक ही एडमिट कार्ड से हो चुकी है, अब तीसरी प्रोसेस हमारी न्यू एडमिट कार्ड से होनी जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, नोटिफिकेशन में 2 फरवरी को हमारी संभावित डेट टेंटेटिव डेट थी फ्रेंड्स ये, यानी कि 2 फरवरी से हमारे शुरू होने थे, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2 फरवरी को नहीं होगा, ये पोस्टपोन्ड हो चुका है, ये मार्च में जा चुका है, मतलब कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्लियरिटी नहीं है, यदि पोस्टपोन्ड होता यहाँ पर कोई ना कोई नोटिस आता, ठीक है, और जब कोई नोटिस नहीं आया तो आपको केवल संभावित 2 फरवरी को ही मानना है, इसमें कोई भ्रम नहीं डालना है फ्रेंड्स। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि 2 फरवरी हमारी निश्चित है और 2 फरवरी को ही हमारा निश्चित संभावित होने के चांस बनते हैं, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कमेंट के द्वारा, उन पर विश्वास मत कीजिए, यहाँ पर पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड होगा तो नोटिस डाल दिया जाएगा, ठीक है। आपको केवल स्टडी पर ध्यान देना है, जो आपको जानकारी देनी है हमें देनी है, ठीक है, यानी ट्रिक विक्रा पर आपको विश्वास रखना है, तब भी जब भी कोई न्यूज आएगी तो फ्रेंड्स हम आपको अवगत करा देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, केवल अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 19 तारीख हो चुकी है अब, और 2 फरवरी यानी कि कम से कम 31 तारीख को आप को टेंशन शुरू हो जाएगी एग्जाम की, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, 10 से 12 दिन में जितना भी रिवीजन हो सके उसको कर लीजिए और जो भी आपका टॉपिक बचा है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जैसे भी यहाँ पर न्यूज आएगा फ्रेंड्स, यानी कि पोस्टपोन होने वाली प्रोसीज आएगी, एडमिट कार्ड वाली प्रोसीज आएगी, कुछ भी प्रोसीज आएगी हम आपको अवगत करा देंगे, इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, आप केवल बिंदास यहाँ पर स्टडी करते रहिए, ठीक है। और कोई भी कमेंट यदि आप करना चाहते हो, कोई भी कमेंट में प्रॉब्लम बनी है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम बनी है, कुछ भी प्रॉब्लम बनी है, तो बिंदास होकर यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक विक्रा साथ आपके साथ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।